आज तक ये नहीं समझ आया कि इंडिया में खास करके लोग रैप्स की एक्सरसाइज को लास्ट में ही क्यों लगाते हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ आपका कोई मसल एक्टिवेट हो जाएगा तो आप शोल्डर को पुश नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अगर ये कोई चीज़ ऐसा कोई आपको इन्फ्लुएंसर आपको बोलता है तो वो मिथ है। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? सो थैंक्स फॉर द लास्ट वीडियो, दो दिन में आपने 50 व्यूज कर दिए हैं, एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड प्लीज़ जो नए व्यूज हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज प्लान को कैसे डिजाइन करना है फॉर द चेस्ट। सो इस वीडियो में हम शोल्डर के वर्कआउट को डिजाइन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक फिजीक है। सो इस बॉडी का शोल्डर रूटीन कैसा होगा, ध्यान में रहे कि ये मेसोमॉर्फ बॉडी है, शोल्डर वाइड है हिप से, सो स्ट्रक्चर थोड़ा वाइड है। सो अब आप जैसे देखें, सबसे पहले शोल्डर मसल स्ट्रैप्स मसल्स बिल्कुल कम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पे, आप बिल्कुल शोल्डर से स्ट्रेट लाइन जा रही है, बहुत वीक है। सबसे पहले हम ट्रैप्स का वर्कआउट लिखेंगे। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि इंडिया में खास करके लोग ट्रैप्स की एक्सरसाइज को लास्ट में ही क्यों लगाते हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ आपका कोई मसल एक्टिवेट हो जाएगा तो आप शोल्डर को पुश नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अगर ये कोई चीज़ ऐसा कोई आपको इन्फ्लुएंसर आपको बोलता है तो वो मिथ है। आप पहले अपने ट्रैप्स को आप ट्रेन कर सकते हैं, इसका फ्रंट डेल्ट्स के साथ या रियर डेल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो तीन एक्सरसाइज हम लिखेंगे कॉलर मसल्स की। सबसे पहले होगी फ्रंट रॉड शक्स। सो इसके जो रेपिटेशन होंगे वो होंगे हमारे तीन सेट हम लगाएंगे विद 15-20 रेपिटेशन। ध्यान में रहे हमारी जो ट्रैप्स मसल्स हैं वो हाई रेपिटेशन को वेल रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। सो रेपिटेशन 15-20 हम इसको आराम से रख सकते हैं। वेट आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना हैवी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्म एंड पोस्चर ध्यान में रहे। जब भी आप लगा रहे हैं तो शोल्डर विड्थ, तो शोल्डर विड्थ इस पोजिशन पर आपने लगाना है और कोशिश करने की आपने पूरा ऊपर तक लगाना है और 2 सेकेंड होल्ड करना है, 1-2 देन नीचे पूरा। अपनी अपनी एल्बोस को आपने बेंड नहीं करना, इस तरह नहीं लगाना, नहीं तो आप अपना वेट को डिवाइड करना और अपनी एल्बोस पे आप ज्यादा जोर दे रहे हैं ज्यादा देन प्रॉपर फोकसिंग ऑन द कॉलर मसल्स। दूसरी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वो होगी बैक रॉक शक्स। देखो बैक रॉक शक्स हमारे इस मसल्स पे ट्रेपीजियस मसल्स के थिकनेस पे टिपिक्स पे वर्क करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोग ये इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज कहते हैं कि हमारी नेक में प्रॉब्लम आ जाती है, नेक में इंजरी हो जाती है, नेक में पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक के साथ लगाएंगे तो आपका प्रॉपर ये थिक मसल आपको शो करेगा। सो इसके भी रेपिटेशन आप 3 सेट आप इसके लगाएंगे, सेम 15-20 रेपिटेशन, डिपेंड आप पे करता है कितना हैवी आप जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज होगी सीटेड शक्स। देखो सीटेड शक्स एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्सरसाइज है बिकॉज इसमें आपका शोल्डर टोटल एलिमिनेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, आपका पूरा लोड आपके ट्रैप पे आता है। आप कभी स्टैंडिंग की जगह सीटेड डंबल शक्स लगा के देखना, उसकी जो सोरनेस होगी वो 3 दिन तक नहीं जाएगी, बट यू विल थैंक मी लेटर बिकॉज इसके रिजल्ट उतने ही ज्यादा बेटर है, उतने ही ज्यादा इफेक्टिव है। सो ये 3 एक्सरसाइज होगी हमारी शोल्डर कॉलर मसल्स की। इसके बाद हम जाएंगे रियर डेल्ट पे। जैसे कि आप इस फिजीक में देखें तो रियर डेल्ट बहुत ही वीक है, मतलब ना के बराबर है, और मैक्सिमम 90% लोगों का रियर डेल्ट वीक होता है, नजर ही नहीं आता है। लेकिन अगर आप 3D शोल्डर्स चाहते हैं, एक वेल डिफाइंड लुक चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मसल वाला मसल पॉप अप करे, तो आपको रियर डेल्ट पे जरूर फोकस करना चाहिए बिकॉज इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ योर शोल्डर्स। देखो मेरी एक पर्सनल चॉइस है, आई डोंट केयर कि मेरी चेस्ट कितनी बड़ी है, मेरे बाइसेप कितने बड़े हैं, लेकिन अगर मेरे शोल्डर्स वाइड हैं, 3D लुक दे रहे हैं, देन यू आर द विनर बिकॉज शोल्डर टू वेस्ट रेशियो एक अलग ही मैस्कुलिन लुक देती है एंड यू स्टैंड आउट फ्रॉम द 99% ऑफ द क्राउड। सो रियर डेल्ट में इसमें हम 2 एक्सरसाइज ऐड करेंगे, रियर पैक डेक फ्लाई। कोशिश करें जब आप इसको लगा रहे हैं तो आपका जो हाथ है वो आपके शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर हो या फिर उसके पैरेलल हो, अगर वो थोड़ा सा नीचे होगा तो आपका बेल्ट पे जोर नहीं आएगा। अगर आप ऊपर लगा रहे हैं तो कोशिश करें पूरा पीछे तक जाएं, उतना ही ज़्यादा आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उतना ब्लड फ्लो आएगा और उतना ही मसल डिवेलप होगा। सो इसकी भी रेपिटेशन हाई लिखनी है और हमने 4 सेट 15-20 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी डंबल। ये एक्सरसाइज भी 3D लुक देती है, इसमें बस आपको पोस्चर सही रखना है। कोशिश करें कि जब आप लगा रहे हैं तो सामने नाखून कट के बताता हूं, अब स्टार्ट करते हैं। तो आपके लैग को इन्वॉल्व करेगा, लैग को एंगेज करेगा, अगर आपने रियर डेल्ट को एंगेज करना है तो सीधा आपने जाना है, स्लोली आपने नीचे जाना है। 10 से 12 इस एक्सरसाइज से मोर देन इनफ वेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं।
10 टू 12 रेप्स, 3 सेट। लास्ट में जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी फ्रंट की मिलिट्री प्रेस। इसमें आप रॉड से भी लगा सकते हैं या फिर आप डंबल से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप 90 डिग्रीज की जगह इसको थोड़ा सा 45 डिग्रीज में लगाएं ताकि आपके प्रॉपर फ्रंट डेल्ट पे लोड पड़े। सो सीटेड लगा सकते हैं, सीटेड मिलिट्री प्रेस से आप दो सेट लगाएंगे ऑफ 10 टू 12 रेपिटेशन। दो सेट लिखने का ये रीजन है बिकॉज चेस्ट की मूवमेंट्स में हमारा फ्रंट डेल्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, सो इसलिए दो सेट इसके मोर देन इनफ है। अब इसके बाद बारी आती है साइड डेल्ट की। साइड डेल्ट में आप क्या कर सकते हैं, सीटेड केबल साइड लेटरल्स। मेरा विश्वास करना गाइस, सीटेड केबल साइड लेटरल्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके साइड डेल्ट्स को तोड़ के रख देगी। मतलब इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा सोरनेस करती है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पे हैं। आप जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके फ्रंट शोल्डर्स में एलिमिनेट हो जाते हैं, आपकी बैक इसमें एलिमिनेट हो जाती है, आप टू एंड फ्रो नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग घुटनों से पुश करते हैं, वो एलिमिनेट हो जाता है, वो आउट ऑफ द इक्वेशन चला जाता है। सिर्फ आपका प्रॉपर लोड आपके साइड डेल्ट्स पे पड़ता है। इसके आप 4 सेट लगाएं 10 से 12 रेपिटेशंस। वेट को आप थोड़ा मीडियम रखें बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज है, आप इतने ज्यादा रैप्स इसके लगा नहीं पाएंगे। 4 सेट लगाएं ऑफ 10 टू 12 रेपिटेशंस। ये सारी एक्सरसाइज प्लानिंग है फॉर द शोल्डर रूटीन फॉर दिस फिजिक। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपका रियर डेल्ट और कॉलर मसल्स वीक है, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एक्सरसाइज प्लान एंड न्यूट्रिशन प्लान डिजाइन करूं तो यू कैन ईमेल मी ऑन दिस आईडी। एंड बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, सिर्फ मैं 499 चार्ज कर रहा हूं फॉर 2 मंथ्स। इसमें मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगा, हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, आपके सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, प्लस बॉडी को देखकर आपका एक्सरसाइज प्लान मैं डिजाइन करूंगा। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो थैंक यू फॉर दैट।